आज गुड़गांव ओआरसी से यज्ञ की अति सम्मानीय वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आशा दीदी हम सबके बीच पधारे हैं। सब करतल ध्वनि से आशा दीदी का स्वागत करेंगे। ओ शांति, रियल घटना है। मैंने पीछे उस माता से मिली, उसने मुझे पहले भी सुनाई थी लेकिन पूरी याद नहीं थी, तो मैंने उससे पुनः पूछा। एक बहन थी विद्या बहन, 33 वर्ष की उसकी आयु थी, ज्ञान में चली, दो उसके बच्चे, पति, 4 का परिवार। पति ज्ञान में नहीं था, सहयोगी था या थोड़ा बहुत चलता होगा। और ये दिल्ली में हमारे ऑफिसेज है ना, शास्त्री भवन, विज्ञान भवन, ये सब ऑफिस, तो हमारी क्लासेस चलती हैं। गवर्नमेंट के जो जॉब करने वाले हैं उनकी वहाँ पर क्लासेस चलती, तो ये एक क्लास अटेंड करती थी शास्त्री भवन में। अचानक जब ये ऑफिस से आ रही थी तो इसको दिखाई दिया बाबा। बाबा कहता है, बच्ची उसके पति का नाम लेके आज मैं इसको ले जाऊं तो तू रोएगी तो नहीं? इसने कहा मेरे को कैसा संकल्प आ रहा है, इसने समझा नहीं मेरे को कैसा संकल्प आ रहा है। फिर थोड़ी देर में फिर से, बच्चे आज मैं इतने बजे इसको ले जाऊंगा तो रोना नहीं। आयो 33 वर्ष की यंग एज है। तो बात फिर कहती है कि बाबा ने कहा कि मैं तेरा साथी हूं, मैं तेरे को साथ निभाऊंगा, तू रोना नहीं, आज इसको ले जाऊंगा तू रोना नहीं। कहती बाबा ने जैसे शादी करते हैं ना, ऐसे उसके साथ शादी की। ध्यान अवस्था को या उसमें बाकायदे शादी की, वो फेरे डालते हैं ना, फेरे डाले, उसकी मांग भरी, कहा मैं तेरा साथी हूं तू रोना नहीं। शाम हुई, वो वक्त आया, शाम हुई तो वो भाई कहता है इसको कि मेरे को ना चाय ला दो। कहती है दीदी कभी जिंदगी में उसने चाय पी नहीं और मैं से कहता चाय ला दो। तो मैं चाय लेने के लिए गई तो आके देखती हूँ तो वो थोड़ा सा ढीला सा ऐसे पिलाते हुए कहते भाई ये चाय लो पियो। आपस में जैसे परिवार वाले बातें करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना ये वो बातें कर रही थी। थोड़ी देर में देखती वो तो बिल्कुल ऐसे लुढ़क गया, तो संबंधियों को बुलाया और इसको रोना आ गया, रोई। तो फिर अचानक इसको आवाज आती है, मैं तेरे साथ हूं तो रोना नहीं, रोना नहीं। कहती मैं सतर्क हो गई, ठीक हो गई। वो तो फिर वो व्यक्ति शरीर का जो भी किया गया। कहती है दीदी ये तो हुआ, मेरे आगे परीक्षा आई, घर वालों ने कहा, जैसे अपशकुन मानते हैं ना, छोटी सी एज में किसी पति चले जाए तो उसको कहते हैं ये अपशकुन वाली है, तो उसको जैसे घर से भी निकाल दे। ये लंबी स्टोरी है, शॉर्ट कर रहे हैं, घर से भी निकाल दे। दीदी मेरे पास 2 बच्चे, 1 ड्रेस, 1 थैली में और कोई जगह नहीं, मैं कहाँ जाऊं? कहती रात पेड़ के नीचे बैठ के काट ली। और नेक्स्ट डे फिर कहती है परिवार अपने मायके वालों को बोला, धर्मशाला वगैरह में रही, मैं 1 ड्रेस धोती थी, 1 पहनती थी, बच्चों को पालती, लेकिन मैंने बाबा को अपना साथी बना लिया और बच्चों को कहा
तुम्हारे पापा हैं। बच्चे छोटे छोटे थे, तुम्हारे पापा हैं। और कोई भी बात होती कहती मैं बच्चों से, तुमने पापा को बताई, पापा को बताई। आज वो कह रही थी मेरा बेटा, मैंने ये ज्ञान नहीं छोड़ा, बाबा नहीं छोड़ा। आज उसका बेटा निर्माण भवन में जॉब में आया, बेटी इंजीनियरिंग कर रही है, बाबा संभालते हैं। ये सच्ची घटना है, बाबा संभालता है ना, संभालता है। हम इतना प्यार करते हैं बाबा को, वो वायदा निभाता है, हम इतना प्यार करते हैं उसको। प्यार का प्रूफ है समान बनना, बाप समान। और अब समय तो है ही नहीं ना, किस समय किस व्यक्ति के साथ क्या हो कुछ पता नहीं है। हम ऐसे दौर पर हैं, हमें रेडी रहना है, ठीक है। तपस्या का बल जमा करना है, तपस्या का बल जमा करना है, ठीक है। आप सबके साथ बैठ के बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ओम शांति।